उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल सिंह की गाड़ी का चालान कटने के बाद वो रोते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया। दरअसल बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल सिंह अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, वहीं जब चेकिंग के दौरान जिलाध्यक्ष से उनकी गाड़ी के कागजात मांगे गए तो उनके पास नहीं थे। जब उनकी गाड़ी का चालान कटने लगा तो वो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा कि वो सीधे साधे नागरिक हैं, वो गरीब हैं। काफी देर तक पूर्व जिला अध्यक्ष का ड्रामा चलता रहा। मामला बढ़ता देख एसपी अवधेश पांडे को बुलाया गया। जब एसपी साहब मौके पर पहुंचे तो पूर्व जिला अध्यक्ष ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और पुलिस कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया। एसपी साहब ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए मामले को पूरा शांत करवाया। वेब 23 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।